दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रीजन को 5 के रूप में और दोस्तों बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताइए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार रीजन का कोड 5 दिया गया है, बिलीवेट का कोड 7 दिया गया है, तो आपको गवर्नमेंट का कोड बताना है। इसमें आपको दोस्तों कितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहे होंगे 6। यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर दिया गया, तो आपके कितने बचे, 5 हो गए। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 8, -1 किया गया तो यहाँ पर 7 मिला आपको। और इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे दोस्तों 10, 10 में -1 करेंगे तो आपके आएंगे दोस्तों कितने, 9। यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका राइट वो आपका 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर ए में 9 दिया हुआ है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा यानी कि गवर्नमेंट का जो कोड है वो आपका होगा 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिए जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। यानी कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें जो चिन्ह है क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपस में कौन से चिन्ह बदल दिए जाए कि आपका आंसर 17 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, हम पहला ऑप्शन लेंगे दोस्तों, पहले ऑप्शन में है भाग और गुणा, यानी कि भाग की जगह क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे, और गुणा की जगह क्या करेंगे भाग करेंगे हम दोस्तों। जब हम ये करेंगे तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, और फिर गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ऐसे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 होगा। अब फिर क्या है, आपको करना है जोड़, आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23 - 6 = आप इसको माइनस कर देंगे आप 3 10 जाएगा 3 10, यानी कि यहाँ पर 17 बचेगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भाग और गुणा, यानी कि गुणा की जगह भाग करना और भाग की जगह गुणा करना। और दोस्तों ये आपके सारे रॉन्ग आंसर ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपको इसमें संख्या दे रखी गई है, इसमें से आपकी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमें नीचे की ओर ये बड़ी संख्या दिख रही है, यानी कि इसमें क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम ऐसा इन तीनों में से क्या करें कि हमारा क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि 90 आ जाए, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और फिर हम क्या करेंगे इंटू कर लेंगे 6 का, तो हमारा आ जाएगा 90। अब हम भी इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 13 × 5, यहाँ पर हो जाएगा 65 आपका दोस्तों। फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर आपका आएगा 11, फिर इंटू करेंगे 4 पे तो आपका आएगा 44। यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 44 आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है 44। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों आपसे बता दें कि लास्ट में एक टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें आपके जितने भी एस्ट्री ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक या फिर आप अपने जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रीजनिंग थोड़ी वीक है, उनको आप हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साइड में दोस्तों बेल आइकन के बटन होगी, इसको प्रेस करके ऑन कर लें जिससे कि हमारी रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है दी गई श्रृंखला में, यहाँ पर दोस्तों अगला नहीं होगा, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, गलत संख्या, यानी कि गलत संख्या क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आपसे इस श्रृंखला में गलत संख्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्या कैसे सोल्व करेंगे, आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका कोई भी कॉमन चीज़ नहीं नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये सीरियल से 1, 2, 3, 5, 7, 14, 23 और 29 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो ये सारी दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो 14 है यानी कि 14 जो है भाज्य संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है, ये पता है 1, 2, 7 और 14 यानी कि 14, यानी कि दोस्तों 1, 2, 7 और 14 ये इनसे भाज हो जाएगी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गलत संख्या दे रखा है वो आपका है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी कि जिस प्रकार 5 21 से संबंधित है उस प्रकार 7 क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी संख्या आएगी उससे किस प्रकार संबंधित होगा। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं 5 से 21 किस प्रकार संबंधित है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर क्या करें, 25 5 का स्क्वायर कर दें माइनस 4 कर दें तो हमारा आ जाएगा 21। इसी तरह 7 का स्क्वायर कर दें 49 आ जाएगा, माइनस करते 4 तो यहाँ पर 45। यहाँ पर 245 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं। अगर हम क्या करें दोस्तों, 5 है, 5 में 5 में क्या करें दोस्तों, माइनस 1 कर दें और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा और प्लस 1 करेंगे तो 21 होगा दोस्तों। इसी तरह 7 में क्या करें, माइनस 1 करेंगे 6 आएगा, 6 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या गया, 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया गया, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42, 42 में प्लस 1 करेंगे तो आपका आएगा 43, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 43। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन था वो है दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों नहीं सॉल्व होता है तो आप क्या करें, पार्ट नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, जिसमें फुल डिटेल में यानी कि फुल डिटेल में समझाया हुआ है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर भी करेंगे एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों अपनी रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।